तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी देखेंगे, जीडीपी के काइंड्स देखेंगे, जीएनपी देखेंगे और एनएनपी देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जैसे ही शब्द आएगा घरेलू, आप तुरंत से समझ लीजिएगा किसी देश की सीमा की बात हो रही है। घरेलू, यहाँ घर मतलब सीमा, और यहाँ पे घर का मतलब समझिएगा कि किसी देश। घर को यहाँ क्या समझ लीजिए, देश। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं, क्योंकि दो शब्द होगा, एक राष्ट्रीय होगा और एक घरेलू होगा। जब घरेलू की बात करें तब देश की सीमा की बात आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए। जैसे घर क्या होता है, जैसे ये हमारा घर, आपका घर, तो घर क्या है, हमारे, हमारी जो सीमा है वो कहाँ तक है, हमारे घर तक है। उसी प्रकार से जब शब्द यहाँ पे प्रयोग होगा, घरेलू शब्द आए, घरेलू का प्रयोग हो, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा एक देश की सीमा। और दूसरा शब्द होता है राष्ट्रीय। जब राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, राष्ट्र, राष्ट्रीय शब्द किसे बना है, राष्ट्र से बना है। राष्ट्र में कौन होता है, नागरिक होते हैं। क्लियर हो गई बात? इन दो चीजों को अगर आप समझ के चलोगे तो आपको रटना वटना कुछ नहीं पड़ेगा, आपका ये जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आज बनेगा एकदम से बैठ जाएगा। कभी आपको कंफ्यूज करने नहीं होंगे आप कि क्या होता है जीडीपी में, क्या होता है जीएनपी में, क्या होता है एनएनपी में, क्या होता है, ठीक है, एनएनपी एमपी क्या होता है। तो सब बात आज क्लियर हो जाएगी आपको, बस सिस्टम से इसे पढ़ लेना होगा, कहीं कोई डाउट्स आपके दिमाग में नहीं बनेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब होता है सकल, कुल, टोटल, ठीक है, इसके सिनोनिम्स होंगे। तो कह रहा है कि अगर एक लेखा वर्ष, पिछले क्लास में भी हमने बताया था लेखा वर्ष किसे कहेंगे, लेखा वर्ष कैलेंडर ईयर हो सकता है या फिनेंशियल ईयर हो सकता है। बहरहाल ये जो इकोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, जीडीपी, जीएनपी, जीएनपी एमपी जो भी यूज होंगे, एनएनपी, ये सब में जो लेखा वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के जो 31 मार्च को समाप्त होता है, उसी की बात की गई है। क्लियर हो गई आपकी बात? कहने का मतलब यहाँ पर वित्तीय वर्ष की बात की जाएगी, फिनेंशियल ईयर ही हम लोग लेके चलते हैं, गवर्नमेंट भी लेके चलती है। क्लियर हो गई बात? तो होते तो लेखा वर्ष कुछ भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर हो सकता है, फिनेंशियल ईयर, लेकिन हम लोग को क्या, यहाँ पे फिनेंशियल ईयर हमारी गवर्नमेंट लेके चलती है, उसी को समझना है। फिनेंशियल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये जो फिनेंशियल ईयर होगा कब से कब तक प्रारंभ होगा, ये पीसीएस का पूछा गया प्रश्न है। तो 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। कैलेंडर ईयर आपको पता है, ये सबको पता होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, आते हैं टॉपिक पे, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जब यहाँ पे घर आ गया, घरेलू शब्द आ गया, मतलब एक देश की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होगा, किसका, सेवाओं का और वस्तुओं का, उसे हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। किसी एक देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में जो भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा अंतिम रूप से, उसे हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। बस आपको यहाँ घरेलू शब्द को पकड़ लेना, घरेलू मतलब घर, मतलब एक देश। जब एक देश की सीमा के भीतर जो है क्या होगा, जो भी वस्तु और सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर यह ध्यान देना है कि एक देश की सीमा के अंदर अगर कोई विदेशी व्यक्ति, मतलब किसी दूसरे देश का व्यक्ति भी आकर के हमारे यहाँ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, तो उसको भी घरेलू जो है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रही बात? लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, भले ही हमारे देश का नागरिक हो, अगर वो विदेशों में जाकर के धन अर्जित करेगा तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। ये आपके दिमाग में सेट कर लीजिए। मतलब सकल घरेलू, घरेलू मतलब अपनी देश की सीमा, देश की सीमा के भीतर जो भी अंतिम रूप से वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होगा, उसे हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का नाम देंगे। लेकिन अगर विदेशी व्यक्ति भी यहाँ पे आके उत्पादन वस्तु और सेवाओं करेगा, उसको भी शामिल करेंगे। परंतु अगर अपने आर्य देश का कोई व्यक्ति है, विदेश में जाकर के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगा, तो उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब जब हम लोग आगे बढ़ जाए, ये चीज आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। इसके दो ढंग हो सकते हैं, मतलब जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है दो बेसिस पे होता है। एक तो होता है फैक्टर कॉस्ट पे,
दूसरा होता है मार्केट प्राइस पे। अब ये समझना होगा फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं। तो आप हमने आपको एक आप जो है उत्पादन के साधन को पढ़ाया है, ठीक है, उत्पादन के साधन पढ़ाया। तो जो उत्पादन के साधन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। अगर आप लोग चाहे तो फैक्टर कॉस्ट पे मतलब उत्पादन के साधनों पर वीडियो बना हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको सॉल्व करेंगे। वहां पे हमने उत्पादन के साधनों को बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। क्लियर हो गई बात। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं, यहाँ संक्षेप में थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, प्रबंध, ये सब जो है क्या है, ये उत्पादन के साधन है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो जब इन जब जीडीपी का कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट पे है, मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, या दूसरे शब्दों में कहा जाए जब प्रत्यक्ष लागत के आधार पर, जब प्रत्यक्ष लागत के आधार पर जो है जीडीपी का कैलकुलेशन होगा, उसे हम कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादक कारकों, उत्पादक कारकों मतलब वही सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को, उत्पादन कारकों के संपूर्ण मूल्य को क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। उत्पादन के जो साधन से क्या कहा जाएगा, फैक्टर कॉस्ट कहा जाएगा। अब इसी के आधार पर मतलब फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जब हम जीडीपी निकालेंगे, मतलब उत्पादन के साधनों के आधार पर जब हम जीडीपी निकालेंगे, तो उसे कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ध्यान देना है कि जो फैक्टर कॉस्ट होगा, फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे, तो सरकार को जो टैक्स दिया जाता है उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसको इसमें क्या होता है, शामिल नहीं किया, मतलब जीडीपी आया है एग्जाम में, निम्नलिखित में से किसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है वो जीडीपी में शामिल नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में सेट रखिए, कहीं कोई डाउट्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को शामिल नहीं किया जाता, इस बात को आपके दिमाग में होना चाहिए ध्यान। और दूसरी बात, क्या शामिल किया जाता, लेकिन सब्सिडी जो होगी वो शामिल की जाएगी, सब्सिडी का कैलकुलेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। वैसे भी हम आपको बता दें, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो टैक्स होता है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जो हमारे जो खर्चे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अगर साधारण भाषा में समझे तो प्रत्यक्ष किसे कहेंगे और अप्रत्यक्ष किसे कहेंगे, अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न बन रहा हो, तो प्रत्यक्ष लागत वो होती है जो सीधा माल बनने से संबंधित होती है, जो सीधा माल के बनने संबंधित होगी उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लागत। और जो माल बनने के बाद उसे बिक्री करने तक, मतलब उपभोक्ता तक पहुंचाने पर जितने भी खर्च किए जाते हैं उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय कुछ उदाहरण जैसे हो गया मटेरियल, ये आपको लगाना पड़ेगा, बिना इसके बनेगा नहीं कोई सामान, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया मतलब सामग्री हो गई, श्रम हो गई, पूंजी, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। इन सबको जो है डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष व्यय में क्या हो सकता है, जैसे एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, भाई माल को बेचने के लिए, देखिए विज्ञापन व्यय जो होगा वो माल को बेचने के लिए सपोर्ट करता है, अत्यधिक बिक्री को बढ़ाता है, लेकिन माल बनने में उसका कोई योगदान नहीं होता है। तो माल बनने तक जो भी खर्चा किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। और माल बनने के बाद जो खर्चे किए जाते हैं उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा टैक्स कहा, रेंट कहा, एडवर्टीजमेंट हो गया, लीगल कोई चार्ज हुआ, ठीक है, इन सबको शामिल किया जाता है अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत। क्लियर हो गई होगी बात, हमें लग रहा है। अगर कोई डाउट्स बनता है तो आप निश्चित तौर पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर इनके आधार पर निकाला जाएगा, फैक्टर कॉस्ट के आधार पर निकाला जाता है, प्रत्यक्ष व्ययों को लेकर निकाला जाएगा, तो उसे हम कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरे अब ये जो निकलेगा इसे ही हम विशुद्ध शुद्ध उत्पाद भी कहते हैं। विशुद्ध शुद्ध उत्पाद मतलब नेट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, शुद्ध उत्पादन कहते हैं। क्लियर हो गई बात, मतलब जो एट अ फैक्टर कॉस्ट पे जो प्रोडक्शन होता है उसे ही हम शुद्ध उत्पादन कहते हैं, नेट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, आगे समझते हैं। दूसरा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब जब इसमें टैक्स को भी शामिल किया जाए, ध्यान दीजिएगा ऊपर फैक्टर कॉस्ट में जब टैक्स को भी शामिल कर लिया जाए और सब्सिडी को लेस कर दिया जाए,
टैक्स को शामिल कर लिया जाए और सब्सिडी को क्या कर लिया जाए, लेस कर दिया जाए, मतलब टैक्स ऐड कर लो, टैक्स कर को जोड़ लो और सब्सिडी जो है उसको क्या कर दो आप, लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या कहेंगे उसे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कोई डाउट आपके दिमाग में हो जीडीपी को लेकर के तो बिल्कुल बताइएगा। तो जीडीपी क्या है तो समझ में आ गया होगा, सकल घरेलू उत्पाद। हमने कहा घर को यहाँ टारगेट बनाना है, घरेलू मतलब एक देश की सीमा में चाहे अपने देश के नागरिक या विदेशी नागरिकों द्वारा जो वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। इसमें कर को शामिल नहीं किया जाएगा, सब्सिडी को ध्यान में रखा जाता है। इसका मूल्यांकन दो प्रकार से होता है, इसका मूल्यांकन दो प्रकार से होता है, एट अ फैक्टर कॉस्ट और एट अ मार्केट प्राइस। मतलब जब उत्पादन के जो साधन है उसके आधार पर सिर्फ किया जाएगा उसे हम कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब इसे मार्केट वाली फ्लैक्चुएशन को भी ध्यान में लिया जाए, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी जब ऐड करके निकाला जाएगा तो उसे कहा जाएगा मार्केट प्राइस। क्यों, क्योंकि जब कोई वस्तु जो है बाजार में बिकने के लिए जाती है तो उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के व्ययों को जोड़ दिया जाता है, साथ ही साथ लाभ को भी जोड़ा जाता है। उसके आधार पर जो मूल्य आएगा उसी पर एक जो है विक्रेता वस्तु का विक्रय करने के लिए तैयार होता है। तो बिल्कुल समझ के रखिएगा, कहीं कोई कभी। और एक बात और, कई बार डाउट्स होता है, कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ये जो प्रॉफिट है क्या ये भी कॉस्ट है? बिल्कुल, एक जो नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है उसको भी कॉस्ट के अंतर्गत ही रखते हैं। जब भी हम बता दें कि जब कॉस्ट शीट बनाया जाता है, लागत पत्रक बनता है, उस टाइम पे प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज वहां पे भी दिखाया जाता है। क्लियर हो गई बात, आ जाते हैं टॉपिक पे। तो कहने का मतलब जीडीपी आपके दिमाग में समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं जीडीपी से आगे, बात करते हैं जीएनपी। हमने पहले ही शब्द कहा था घरेलू, याद रखिएगा। अब यहां पे आ गया राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब ये क्या होता है आप समझ लेना है। तो एक वर्ष के भीतर, बस उसी बात को वहीं से सेट करना है, घरेलू और राष्ट्रीय को पकड़ना है। जब राष्ट्र की बात करेंगे तो नागरिक की बात करेंगे, जब घरेलू की बात करेंगे तो एक देश की सीमा की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जब एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिक आ गए यहाँ पे नागरिक। अब अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो नागरिकता को लेकर के, तो नागरिक जो होते हैं ना इसके अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे इंडिया में अगर 182 डेज अगर कोई पर्सन रहता है तो उसे, ध्यान दीजिएगा, निवासी और नागरिकता में अंतर होता है थोड़ा सा, तो समझना होगा, इसको किसी और वीडियो में लेते हैं नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन जाएगा। यहाँ पे नागरिकता सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए कि नागरिक जो अभी अपने देश में रह रहे हैं जिनको नागरिकता मिली है, जिससे भारत सरकार जो है आईडी इशू करती है, तो आप मोटे तौर पे, हाँ अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए नागरिकता को समझने के लिए तो हम इस पे और बता सकते हैं। नागरिकता जो है तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे उस वाले वीडियो में। बहरहाल नागरिकता की जो हमारे संविधान में वर्णन है भाग दो में किया गया है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे नहीं देखते इसको क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा, मतलब जब देश के नागरिकों द्वारा देश की किसी सीमा के अंदर या बाहर, कहने का मतलब चाहे अपने देश में या विदेशों में, अपने देश के नागरिकों द्वारा जो धन अर्जित किया जाएगा, या धन अर्जित कहने का मतलब जो उत्पादन, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी ले लीजिए, पी प्रोडक्ट भी ले लीजिए। तो मतलब जब किसी एक निश्चित अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा देश की सीमा के अंदर या देश की सीमा के बाहर अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होगा, अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब देश की सीमा का यहाँ बात नहीं है बल्कि नागरिकों की बात है। जो देश के नागरिक है अगर वो अपने देश की सीमा के अंदर या विदेशों में कहीं पे भी जो है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोनों ऊपर और नीचे दोनों में एक ही बात बताई गई है, बस ध्यान ये देना है कि जब एक देश की सीमा के अंतर्गत चाहे अपने देश के लोग हों या विदेशी लोग हों वो उत्पादन करेंगे अंतिम रूप से सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। जबकि अब एक देश के नागरिकों द्वारा चाहे अपने देश में या विदेशों में जाकर के जो भी अंतिम रूप से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा उसे हम कहेंगे सकल राष्ट्रीय, क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से हम लोग यहाँ पर इसको समझेंगे। कोई डाउट्स दिमाग में, बिल्कुल आप अगर आपको डाउट्स बन रहा हो तो बिल्कुल आप बताइएगा। इसका एक फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है
अगर हम इसमें प्लस एक्स माइनस एम, प्लस एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय, देशवासियों द्वारा विदेश में भी जो अर्जित आय होगी उसको जोड़ दे, और क्या कर दे, विदेशियों द्वारा जो देश में अर्जित आय है अगर उसको घटा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा जीएनपी। मतलब जीएनपी अगर आपको निकालना है तो जीएनपी जो है, जीएनपी अगर आपको फाइंड आउट करना है और आपके पास अगर जीडीपी है उसमें क्या कर दीजिए आप, प्लस कर दीजिए किसके, विदेशों, विदेशियों द्वारा जो विदेश, जो विदेशियों द्वारा विदेश में अर्जित आय को इसमें क्या कर दीजिए, शामिल कर दीजिए, इसे हम एक्स द्वारा डिनोट किए हैं, और विदेशियों द्वारा देश में जो अर्जित किया गया उसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब जब राष्ट्र की बात होगा तो सीमा की बात नहीं होगी, जब राष्ट्र की बात होगी किसकी बात नहीं होगी, सीमा की बात नहीं होगी। मतलब अगर किसी देश के नागरिकों द्वारा चाहे अपने देश के अंदर या देश के बाहर वस्तु और सेवाओं का जो समग्र उत्पादन किया जाएगा उसे राष्ट्रीय आय में तो शामिल करेंगे, क्लियर हो गया। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, देश के नागरिकों को ध्यान नहीं दिया जाता, सीमा का ध्यान दिया जाता है, एक निश्चित जो देश की जो सीमा होगी उसके अंदर चाहे देशी व्यक्ति हो या विदेशी उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। जबकि हम नागरिकों की जब बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। क्लियर हो गया होगा बात, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए जीडीपी में अगर हम जो है एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, देशवासियों द्वारा जो विदेश में अर्जित आय है उसको जोड़ दें और विदेशियों द्वारा जो अर्जित आय है उसको घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा, जीएनपी आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। अगला एक शब्द है शुद्ध राष्ट्रीय। आपको एक बात बताएं, ये जो जीएनपी होता है दो ढंग से हो सकता है, एक तो फैक्टर कॉस्ट पे हो सकता है, एक मार्केट प्राइस पे हो सकता है, ठीक है। तो इसको दो ढंग से निकाला जा सकता है। तो अब बात करते हैं हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, एनएनपी की बात करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है मतलब जो जीएनपी है, अगर इसमें से डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाए, ह्रास को घटा दिया जाए तो क्या आ जाता है हमें, अगर सकल घरेलू जो जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अगर हम बात करें, नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, तो अगर ये कैसे फाइंड आउट होगा, कहा जा रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से ह्रास को हटा दें। ह्रास क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये होता क्या है, ह्रास समझ लेते हैं एक मिनट में। ह्रास क्या है, अस्थाई संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज बोलते हैं ह्रास, डेप्रिसिएशन। अस्थाई मूल्य, अस्थाई वस्तु की जो अस्थाई संपत्ति होता है उसके मूल्य में जो कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रास। जैसे आप समझ लीजिए कोई भी वस्तु अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने आपने एक डस्टर खरीद के लाया, मार्केट से आपने डस्टर लाया, डस्टर आपको मिला 10 रुपए का। अब हम उसको मार्केट से लाने के बाद यहाँ हम कहने लगे कि भाई ऐसा है कि इस डस्टर को जो है आप ले लीजिए, हम खरीद के लाए हुए थे, हमारे काम का नहीं है। तो आप कहोगे कितने में देंगे, हम कहेंगे भाई 10 रुपए का खरीदा है, 10 रुपए दे दीजिए आप। तो कहेगा कि नहीं, अगर मुझे 10 रुपए में ही लेना है तो मैं मार्केट से नया लूंगा, आपसे क्यों लूंगा। कहने का मतलब अस्थाई संपत्ति के मूल्य में जो कम होगा वो हमें क्या देगा, कम पैसा देगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, ह्रास कहेंगे। किसी अस्थाई संपत्ति के मूल्य में जो कमी आएगी उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ह्रास कहते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। फुल समझ में आ गया होगा, इसी फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, एनएनपी, एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से माइनस कर दे किसको, डेप्रिसिएशन को, ठीक है। तो ये जो हमारे सामने फार्मूला बन के सामने आया ये क्या हो गया, एनएनपी कहेंगे। क्लियर हो गई होगी बात, अगर कोई डाउट्स बने तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सॉल्व करेंगे। डेप्रिसिएशन पे अगर आपको सेपरेट समझना है तो इसके बारे में बताइएगा। बहरहाल मोटे तौर पर अगर कहा जाए अस्थाई संपत्ति के मूल्य में जो कमी होगा उसे क्या कहेंगे, हम ह्रास कहेंगे। व्यवसाय के लिए क्या होता है, ये लॉस होता है, व्यवसाय के लिए क्या होता है, ये लॉस होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस करते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।